अंकिता लोखंडे, जहाँ थोड़ी देर पहले उन्होंने दिल दिखाकर अपनी खुशी जाहिर की थी, अब वो कह रही हैं जस्टिस, न्याय मिला है और कर्मा ने अपना असर दिखाया है। जी हाँ, अंकिता लोखंडे कर्म और फल के सिद्धांत को मानती हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी दिनों पहले कहा था कि हमारे यहाँ आमतौर पर हिंदुस्तान में कर्म और फल के सिद्धांत को बहुत माना जाता है, इसीलिए लोग बार बार ये कहते हैं कि कर्मा जो है कर्मा 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 बिलीवर कर्मा बिलीवर। अब अंकिता ने लिखा है, कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, बाय फेट नहीं होता है, किस्मत से नहीं होता है, तकदीर से नहीं होता है, यू क्रिएट योर ओन फेट। आप अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, योर एक्शन से, अपनी एक्शन से, आपके कर्मों से अपनी किस्मत लिखते हैं, कर्म से भाग्य। लोग कहते हैं ना, अपने हाथ हाथ की रेखाओं में नहीं बल्कि हाथ की मेहनत में, हाथ की करनी में आपका भविष्य है। और इसी बात का जिक्र अंकिता लोखंडे कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ज़िंदगी में भाग्य से कुछ नहीं होता, आपका दुर्भाग्य नहीं होता, आपके कर्म होते हैं, आपके दुष्कर्म होते हैं जो आपको बुरे अंजाम तक पहुँचाते हैं। कुछ भी बाय चांस बाय फ्लूक बाय फेट नहीं होता है, आप खुद अपनी तकदीर के मालिक होते हो, रचयिता होते हो, क्रिएटर होते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, आप क्या लिखोगे अपनी तस्वीर, अपनी तकदीर में। तो ये बहुत बड़ी बात अंकिता लोखंडे ने कही। मैं आपको बता दूं, अंकिता लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में बयान देती आ रही हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने ये लिखा है कि जस्टिस यानी कानून की जीत हुई है और कर्मा जो है वो कर्मा बिलीवर हैं। उन्होंने कहा कर्म का फल रिया को मिल चुका है, रिया ने दुष्कर्म किए। जो परिवार और अंकिता तमाम लोग ये बात कहते कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिस तरह का बर्ताव रिया ने किया, उसको जिस अंजाम तक पहुंचाया, उसकी सज़ा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। बने रहिए आप मेरे साथ लगातार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर दीजिए।